घास के मैदान से आपके एग्जाम में पोर्शन आएगा, तो आज सारे घास के मैदान आपको हम याद करवाते हैं। ये घास के मैदान है, तो घास के मैदान देखो, ये पहले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पढ़ना है। तो पहले शीतोष्ण कटिबंध होता क्या है इसको जान लेना है। तो देखिये शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है पहले इसे जानेंगे। ये देखिए ये भूमध्य रेखा है जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसके बाद ये कर्क रेखा होती है और ये मकर रेखा होती है। इसके बाद देखिए आर्कटिक रेखा होती है, ये अंटार्कटिक रेखा होती है। ये जीरो अंश, ये 23.5 अंश पे होती है और ये 6.5 अंश। तो इसके मध्य वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये होता है शीतोष्ण कटिबंधी। ये होगा शीतोष्ण कटिबंधी। तो यानी अब हम जो घास के मैदान बताने हैं ना, वो इसमें होगा और इसमें। इसी तरह से यहाँ भी देखिए 23.5 होगा ये और ये 6.5 होगा। ये आर्कटिक होता है या अंटार्कटिक होता है, ठीक ना। ये घास के मैदान जो शीतोष्ण कटिबंधी है वो ये वाले होते हैं, ये वाले। तो हम इन्हीं वाले क्षेत्र में बताने जा रहे हैं कि वहाँ घास का मैदान कहाँ है। जिसे देखेंगे पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है और ये पड़ता है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। प्रेरी घास का मैदान कनाडा में है और ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ये आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। स्टेपीज घास का मैदान यूरेशिया में है, यूरेशिया में पड़ता है। अब यूरेशिया देखिए जो एशिया और यूरोप दोनों से दोनों में मिला हुआ है, ये होता है यूरेशिया। तो इसमें पड़ता है स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया में। पुस्टाज घास का मैदान जो है हंगरी में पड़ता है और ये यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में पुस्टाज घास का मैदान। बेल्ट घास का मैदान जो है दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है बेल्ट घास का मैदान। और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स घास का मैदान जो है, डाउन्स घास का मैदान यह ऑस्ट्रेलिया में होता है, याद रखना। कैनबरी, कैनबरी होता है ये न्यूजीलैंड में है। तो न्यूजीलैंड देखिए यहाँ होता है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ है। इसमें जो घास के मैदान इधर अगर मिलेंगे वो आपके आ जाएंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, वो कैंटबरी आपका न्यूजीलैंड में। तो ये हो गए शीतोष्ण घास के मैदान, पंपास अर्जेंटीना, प्रेयरी कनाडा, स्टेपीज यूरेशिया, पुस्टाज हंगरी, बेल्ट दक्षिण अमेरिका, डाउन ऑस्ट्रेलिया, कैंटबरी न्यूजीलैंड। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है लानोज, इंपॉर्टेंट है ये लानोज, इंपॉर्टेंट है लानोज घास का मैदान वेनेजुएला से। ये कहाँ? वेनेजुएला में, वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका में है। तो लानोज मतलब लाना है, कहाँ? वेनेजुएला, ऐसे याद करेंगे। कैंपोस घास का मैदान जो है ब्राजील में पड़ता है और ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, ये कैंपोस घास का मैदान है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ये अफ्रीका में होगा। पटाना घास का मैदान श्रीलंका पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। अब आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय घास, उष्णकटिबंधीय होता क्या है। उष्णकटिबंध देखिए, उष्णकटिबंध ये वाला होता है क्षेत्र, ये आपका भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री और ये 0.6 रेखा भूमध्य रेखा। इसके बीच वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। इसके बीच वाले क्षेत्र को क्यों कहा जाता है, थोड़ी एक बात और जानेंगे। क्योंकि सूर्य यहाँ 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 वर्ष भर यही रहता है। जैसे 21 जून को सूर्य यहाँ होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य यहाँ होगा, 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ होगा। इसलिए जब सूर्य वर्ष भर यही रहता है, यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो ये है लानोज वेनेजुएला में, कैंपोस ब्राजील में, सवाना अफ्रीका में, पटाना श्रीलंका। ये घास के मैदान हो गए, ठीक है। चलिए आगे और भी टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे।